जो भटजुग का कंस है वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है। अब हम लोग को सड़क पर चलने में भी डर लगता है। इंडिया को डॉट 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 ये लोग देश तोड़ने वाले गैंग हैं। इन्होंने दलितों महादलितों का नरसंहार करवाने का काम किया है, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी को बैन करने का काम किया बिहार में। ये सभी के लिए एक आने वाले समय में याद रखा जाए। छुरा भोंकने का काम किए हैं इस मामले में। मूलतः पर बात करें तो हमेशा छुरा भोंके, कभी उसको भोंके कभी उसको भोंके। नीतीश कुमार का जमीन जो है नीचे से खिसक चुका है। 24 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं उसी दौरान बिहार में राजनीति उथल पुथल हो रही है। उसी बीच में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती को लेकर अभी चर्चा के विषय बनी हुई है। इसी बीच में नीतीश कुमार के बैक फुट पर आने की चर्चा हो रही है। उसी बीच में जदयू विधायक गोपाल मंडल का बयान आया है, क्या लालू यादव कभी भी नीतीश कुमार के पीठ पीछे छुरा भोंक सकते हैं? आइए जानते हैं। यादव के बारे में बात क्या करें, जिनके बारे में कोर्ट लगातार बोल रही है 15 साल शासन करने के बाद ये जो बदहाली आई है और ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो कोर्ट में चल रहा है, अब इससे आगे लालू यादव के बारे में क्या कर सकते हैं? लालू जी ने इसके अलावे किया ही क्या है पीठ पीछे छुरा भोंकना? लेकिन ये तो चोर चोर मौसेरे भाई की बात है ना। एक दूसरे आदमी 15 साल शासन कर लिए, अब उनको भी बताना है कि बिहार में क्या होना है। तो दोनों मिल गए हैं और दोनों मिल करके जो भी खिचड़ी पकाएं, एक दूसरे को छुरा भोंकें, एक दूसरे को कुछ भी करें, लेकिन जो भी समाज की दुर्गति हो रही है, जो भी बिहार की दुर्गति हुई है, इन दोनों के कारण हुई है। और छुरा भोंकें या ना भोंकें, बिहार को तो भोंक ही दिया इन्होंने पूर्ण। चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर लालू नीतीश और राहुल गांधी की दोस्ती को लेकर सर क्या कहना चाहते हैं? उसमें जो मतलब जदयू विधायक का जो बयान आ रहा है कि कभी भी हमला हो सकती है पीठ पीछे। देखिए, विषय दो है। पहला विषय पत्रकार महोदय जो आपने बताया कि 2024 के चुनाव से पहले इन्होंने जो गठबंधन मिलाने का काम किया है, इंडिया को डॉट 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 ये लोग देश तोड़ने वाले गैंग हैं। और इन लोग भारतीय जनता पार्टी के भय से, मोदी जी का जो काम है उसका भय से इन लोग बेमेल गठबंधन करने का काम किए हैं, जिसको समय से जनता जवाब देगी। इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है। दूसरा विषय जो आपने रखा है आदरणीय गोपाल मंडल जी के वक्तव्य के बारे में, तो गोपाल मंडल जी ने राजद के खतियान को बताने का काम किया है। इनका पूरा खतियान नहीं कहता है लालू जी, उनकी बीवी, और तीसरा खतियान जो बिहार पर वो थोपना चाहते हैं, उनके दोनों नॉन मैट्रिक बच्चे। इन लोगों का राजद का कोई विचारधारा नहीं है। आप इतिहास खंगालिए राजद का, इन्होंने दलितों महादलितों का नरसंहार करवाने का काम किया है। बाथे नरसंहार से रोंगटा खड़ा हो जाता है। कल की घटना आपका नालंदा मुख्यमंत्री के गृह जिला में है, मुस्तफापुर से मीटिंग होने के बाद NDA का कार्यकर्ता बैठक से लौट रहे थे, उन पर गोली चला दी जाती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अब हम लोग को सड़क पर चलने में भी डर लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो बिहार पूरी तरह से जंगल राज के आगोश में बर्बाद हो रहा है। और नीतीश बाबू बांसुरी बजा रहे हैं, और उन्होंने जो हाल में जो श्री कृष्ण को पहले बंद करने का काम कंस ने किया था, दूसरे जो भटजुग का कंस है वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी को बैन करने का काम किया बिहार में। ये सभी के लिए एक आने वाले समय में याद रखा जाएगा। लगता है कि तीनों का दोस्ती रह सकती है यहाँ पर? तीनों का दोस्ती के बाद तो कहे, अभी जो एक गठबंधन बना है INDIA करके, वह गठबंधन तो चोर लुटेरे बिना विजन के जो लोग हैं उन लोग का एक माला बना रहे हैं नीतीश कुमार, और उस माला को खुद पहनना चाह रहे थे, लेकिन वो माला खुद नहीं पहन करके उनको लालू यादव किसी और को चेहरा बनाना चाहे, तो ये सब तो टूट चीज है। और फिर इन लोग के पास कोई विजन ही नहीं है। सब छुरा भोंकने का काम किए हैं इस मामले में। मूलतः पर बात करें तो हमेशा छुरा भोंके, कभी उसको भोंके कभी उसको भोंके। किसी का है, किसी के साथ रहे हैं आज तक, यही बात। जदयू का विधायक मैंने नीतीश कुमार नसीहत दे रहे हैं कि आने वाला समय में लालू यादव
नीतीश कुमार के पीठ पीछे छुरा भोंकेंगे। देखिए इसका दो पहलू है, नीतीश कुमार का जमीन जो है नीचे से खिसक चुका है, उनके साथ ना सांसद है और ना विधायक है, सिर्फ स्वार्थ के अपना निहित में स्वार्थ के चक्कर में वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सिर्फ स्वार्थी लोग बैठे हुए हैं, और ये लोग भी मौका के तलाश में हैं, कब वहाँ से खिसक लेंगे कोई नहीं जानता है, कब खिसकेंगे। और नीतीश कुमार तो मेमोरी लॉस आदमी है, उनको पता ही नहीं है हमारे देश में इतना बड़ा देश का ये हुआ चंद्रयान, वहाँ जाके चांद पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और नीतीश कुमार जब पूछते हैं आप लोग मीडिया बंधु पूछते हैं तो कहते हैं हमको मालूम ही नहीं है। बट जो जिस मुख्य कितना दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बिहार का मुख्यमंत्री को हमारे देश में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चांद पे पहुँच रहा है, उनको मालूम नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसे लोग अगर बैठे हुए सत्ता में तो ये लोग सत्ता का ही बस सिर्फ खेल खेलते हैं, जब तक कुर्सी इनको है तब तक ठीक है, कुर्सी नहीं होगा तो किसी से भी हाथ मिला लेंगे और नहीं तो फिर किसी की को भी चाकू मार सकते हैं। तो ये मंडल जी जो बोल रहे हैं कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, वो उनका अंतर आत्मा जो है वो जागी है और वो बोल रहे हैं तो अच्छा है। क्या लगता है 2024 तक मनी गठबंधन रहेगी? अरे गठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है, गठबंधन कहाँ है ये तो अब बताइए आप कि हम एक घर में रहते हैं, एक घर में दूसरा परिवार दूसरा से लड़ रहा है, और जब हम वहाँ जाते हैं तो कहते हैं मेरे खोजे हो गए। अगर आज की डेट में अगर बिहार में चुनाव हो, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी चुनाव हो, और हर जगह जो भी जैसा आने वाला है अगर आ जाए तो बताइए क्या होगा, आप क्षेत्र में लड़िएगा और वहाँ एक होइएगा, क्या जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? कभी कभी नहीं करेगी। ये लोग ठगबंधन का राजनीति करते हैं और जनता को ठगते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो हमारे देश में चल रहा है उसका ये लोग राजा हैं, उसका प्रिंस हैं ये लोग, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इनसे इनका ना कोई विजन है, ना कोई इनका अपना अस्तित्व है, ना कोई इनका जमीन है, सारा जमीन खिसक चुका है। एस्पेल रस ये एक ही बॉटल में है, स्ट्रेस वीकनेस एसिडिटी एबिसिटी हेयर फॉल स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एस्पेल लाइफ डायबिटीज फ्री लाइफ। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ, मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।